एवरीवन, क्या आप भी अपने छोटे बालों को जल्दी से लंबा घना बनाना चाहते हैं? तो एक सिंपल सी रेमेडी शेयर करूंगी, इससे आपके बाल जल्दी से लंबे घने तो होंगे, साथ में और भी बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपका हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल होने की वजह से जहां से बाल निकल गए हैं वहां से बाल नहीं उग रहे हैं, गंजापन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम बालों की डे बाय डे कम होती जा रही है, तो वहां से आपके नए बाल भी आएंगे, आपके बालों की वॉल्यूम बहुत अच्छे से हो जाएगी, हेल्दी आपके इसके साथ बाल बनेंगे, और साथ में अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है तो डैंड्रफ भी आपके इसके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और फास्ट हेयर ग्रोथ ही आपके बालों की करेगा। सिंपल सी रेमेडी है जिसको सभी कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको कुछ बाहर से नहीं लाना है, सारे इंग्रेडिएंट इजीली किचन में मिल जाएंगे और सभी इसको कर सकते हैं। तो चलो वीडियो क्या करना है, सबसे पहले आपने लेना है एलोवेरा, और प्लांट का ही एलोवेरा आपने लेना है, और ये बहुत ही अमेजिंग है बालों के लिए। इससे एक तो बाल सिल्की शाइनी बनते हैं, 98% इसके अंदर पानी होता है, और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, एक तो ये हमारे रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं स्कैल्प के उसके साथ ये मजबूत बनते हैं, हमारे बालों की वॉल्यूम बहुत अच्छी इसके साथ हो जाती है, साथ में ये डैंड्रफ को नहीं होने देता है बालों में कभी भी, और शाइन ये हमेशा बालों में ला के रखता है। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैं ले लूंगी एलोवेरा, और सेकंड जो यहाँ पे मैंने लिया है कड़ी लीव्स, और कड़ी लीव्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बालों के लिए। अगर आप रेगुलर इसको खाते हो तो इससे आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा, साथ में अगर आपको प्री मैच्योर यानी आपके टाइम से पहले बाल व्हाइट हो रहे हैं तो ये व्हाइट बालों को भी काला करेगा, में ये आपके बालों की फास्ट हेयर ग्रोथ भी करेगा, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हो कि कड़ी लीव्स को अगर हम खाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, और हमारी हेल्थ के लिए। तो सेकंड इंग्रेडिएंट इसके अंदर मैं डाल दूंगी कड़ी लीव्स, और इससे आपके फास्ट हेयर ग्रोथ भी बालों की होगी। और थर्ड इंग्रेडिएंट इसके अंदर मैंने ऐड करना है ये जिंजर यानी अदरक को, और अदरक के अंदर जो होता है वो किलिकॉन नाम का एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, हमारे जो स्कैल्प होते हैं, जो हमारे स्कैल्प के अंदर पोर्स होते हैं उसमें से हमारे छोटे छोटे बालों को उगाने में हेल्प करता है, हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं उसको मजबूत बनाता है, साथ में इससे क्या होगा आपके नए बाल आने शुरू हो जाएंगे, और जब आपके धीरे धीरे करके नए बाल आएंगे तो जो बालों की वॉल्यूम है वो उससे आपके बालों की वॉल्यूम भी बढ़ेगी, आपके जो रूट्स है वो इसके साथ स्ट्रांग होंगे, साथ में इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, जो बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। इससे स्कैल्प में जो होता है वो हमारे स्कैल्प के जो अंदर पोर्स होते हैं उसमें से हमारी हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके बालों की हेयर ग्रोथ नहीं होती है तो धीरे धीरे करके आपके बालों की फास्ट हेयर ग्रोथ इसके साथ होगी। और इनको तीनों को कट कर लेना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसे मिक्सी ग्राइंड में जो है वो ग्राइंड कर लेना है। आपने जो ये एलोवेरा के पल्प को नहीं निकालना है, डायरेक्ट आपने इसे मिक्सी ग्राइंड में जो है वो ग्राइंड कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, आपने इसे स्ट्रेन कर लेना है, अच्छे से इसको छान लेना है। और इसके अंदर हमने अभी एक और चीज़ ऐड करनी है जो बहुत ही हेल्प करेगी आपके फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए, और बालों को उगाने के लिए, और आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिससे आपका हेयर फॉल ना हो, वो है विटामिन ई का कैप्सूल। और एक कैप्सूल मैं इसके अंदर डाल दूंगी विटामिन ई, जो है वो एक तो स्कैल्प को ही बहुत अच्छी नरिशमेंट देगा, साथ में आपके बालों की फास्ट हेयर ग्रोथ करेगा, बालों को हेल्दी बनाने में हेल्प करेगा, और ये जो हमारे नए हेयर को उगाने में हेल्प करेगा। एक कैप्सूल इसका डाल देना, इसे अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद जब भी आपने हेयर वॉश करना है, हेयर वॉश करने से आधा घंटा पहले आपने इसे अपनी स्कैल्प पे लगाना है। आपने क्या करना है, पहले आपने इसे अच्छे से अपनी स्कैल्प पे लगाना है, और स्कैल्प पे लगाने के बाद आपने मसाज करनी है इसके साथ अच्छे से। स्कैल्प पे मसाज करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, आपके रूट्स इसके साथ स्ट्रॉन्ग होंगे, और साथ में हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो फास्ट हेयर ग्रोथ आपके बालों की होगी, ऊपर पोर्स में से जो है वो नए बाल आने शुरू हो जाएंगे, जो है वो आपके बाल हेल्दी भी बनेंगे। और साथ में आपने अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हेल्दी डाइट लेनी है आपने जो है वो। जब आप अपने लिए रेमेडी कर रहे हो तो आपने डाइट में क्या लेना है, सबसे पहले आपने जो मैंने बताया था कड़ी लीव्स, आपने कड़ी लीव्स को से चार लीव जो है आपने च्यू करके रेगुलर इसके खाने हैं। और साथ में आपने लेना है फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड क्या करना है, अलसी के जो बीज होते हैं आपने उसे मिक्सी ग्राइंड में ग्राइंड कर लेना है,
उसके बाद जो पाउडर फॉर्म में बन जाएगा रेगुलर आपने एक स्पून उसका खाना है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप फिश ऑयल को भी ले सकते हो। भी ओमेगा 3 होता है जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आपने क्या करना है, आधे घंटे से अपने बालों पे रखना है और आधे घंटे के बाद अपने बालों को जो है वो शैम्पू के साथ वॉश कर लीजिए और उसके बाद के रिजल्ट आप देख सकते हो। इसी तरह के रिजल्ट आपके बालों पे भी देखने को मिलेंगे जिनकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट में आते हैं कि मैम हमारे बालों की फास्ट हेयर ग्रोथ नहीं होती है, हमारे बालों की ग्रोथ रुक गई है। तो आप इस रेमेडी को जरूर करें, इससे आपकी बालों की ग्रोथ भी होगी, अपनी डाइट का भी ध्यान रखें और साथ में जिनकी बालों की वॉल्यूम नहीं है, जिनकी चोटी जो है वो बिल्कुल पतली हो गई है, वो भी इस रेमेडी को करें और जिनके गंजापन आ रहा है वो भी इसको करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट उनको इसके साथ मिलेंगे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए होगी मेरी हेल्प, अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।